Hello and welcome to my channel, The Chef Shef. And if you like the video, then don't forget to press the subscribe button. Subscribe button ko press karne se aapko meri sabhi nayi videos ki information free of cost available hogi. और आज की हमारी रेसिपी है बटरफ्लाई ड्राई फ्रूट बार्स। ये ड्राई फ्रूट बार्स बहुत हेल्दी है और इनको बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। इन ड्राई फ्रूट बार्स को हम व्रत में भी खा सकते हैं। इस कढ़ाई में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून घी और जब ये घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गोंद और गैस फ्लेम को कर लेंगे लो। लो फ्लेम पर हम इस गोंद को अच्छी तरह से इसी तरह से रोस्ट करेंगे। गोंद डालने से ड्राई फ्रूट बार्स बहुत क्रंची और बहुत टेस्टी लगते हैं। ये है अराउंड 1 कप आमंड्स, इनको भी अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। 1 कप कैशनट लेंगे और उसको भी अच्छी तरह लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। I would personally suggest कि आप सभी ड्राई फ्रूट्स को लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें। इससे ड्राई फ्रूट जलते नहीं है और उनका कलर भी बहुत अच्छा आता है। पीनट्स अराउंड 1/2 कप। पीनट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो हमें पीनट्स को अपनी डाइट में जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। अब मैंने लिए हैं यहाँ पे कुछ 1 कप मस्कमेलन सीड्स, जिनको हम अच्छी तरह 2 से 3 मिनट के लिए कुछ इस तरह एक कढ़ाई में लिड लगाकर रोस्ट कर लेंगे। लिड लगाने से ये मस्कमेलन सीड्स कढ़ाई के बाहर नहीं निकलेंगे और मस्कमेलन सीड्स को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता रोस्ट होने में। अब इस कढ़ाई के बचे हुए घी में हम कर लेंगे अराउंड 2 कप मखाने को भी रोस्ट। मखाना सारा घी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमने उसको लास्ट में रोस्ट किया है और मखाने भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। इसके बाद सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने कुछ इस तरह से क्रश कर लिया है। मैंने इनको ग्राइंडर में नहीं ग्राइंड किया क्योंकि मुझे ये थोड़े दरदरे चाहिए थे और मखाने को कर लिया था मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड। देखिए कुछ इस तरह से दरदरे हैं। अब मखाना हम ऐड कर लेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब बनाते हैं चाशनी। यहाँ लिए मैंने 2 कप चीनी और 1 कप पानी और इसको अच्छी तरह से इस तरह मिलाते रहेंगे। इसमें ऐड किया 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून घी। घी डालने से चाशनी का टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद हमें तैयार करनी है 2 तार की चाशनी। किसी भी ड्राई फ्रूट बार्स को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चाशनी में ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर का अच्छी तरह से बाइंड होना। उससे ये ड्राई फ्रूट बार्स बहुत अच्छे से सेट होते हैं। तो यहाँ मैंने लिए ये कुछ सिलिकॉन कप्स, जिनको मैं घी से कुछ इस तरह से ग्रीस कर रही हूँ और चाशनी और ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर को इसमें कुछ इस तरह से डाल लेंगे और इसे हम रख देंगे फैन के नीचे कुछ 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं और आइए देखते हैं कि ये सिलिकॉन कप से ये ड्राई फ्रूट बार्स कितना इजीली निकल जाएंगे। देखिए इसमें बटरफ्लाई की इम्प्रिंट्स भी आए हैं। ये ड्राई फ्रूट बार्स बहुत हेल्दी हैं और बहुत टेस्टी हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर बना के खिलाएं। ये बटरफ्लाई ड्राई फ्रूट बार्स तैयार है। आई होप यू ऑलमोस्ट हैव लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।